आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बगैर टेस्ट के हमल का कैसे पता चले। ये कैसे आप मालूम कर सकते हैं कि आप हमला हैं या नहीं बगैर टेस्ट के, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑब्स के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ और आजकल मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल गायनी ओपीडी में एज ए इंचार्ज अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। इसके साथ साथ जौहर टाउन खैरुल बचर हॉस्पिटल में मैं इवनिंग क्लिनिक करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक हमारे न्यूली वेड कपल्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में मिलता है कि टेस्ट के बगैर भी कैसे पता चल सकता है कि हमल ठहर गया है या नहीं। वो तमाम कपल्स, वो तमाम ख्वातीन जो हमल के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, हमल का कंफर्म हो सके। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको देखते हुए आप टेस्ट करने से पहले ये मालूम कर सकते हैं, सस्पेक्ट कर सकते हैं या ये इशारा मिल जाता है कि आपको हमल ठहर गया है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। इन तमाम अलामात में से सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो मिस्ड पीरियड्स हैं, यानी आपकी महामारी की तारीख गुजर गई, पीरियड्स नहीं हुए, तो उस सूरत में सस्पेक्ट किया जाता है कि आपको हमल ठहर गया है। दूसरी अलामत इसमें आ जाती है कि सुबह जब ख्वातीन सोकर उठती हैं तो मॉर्निंग सिकनेस, यानी अर्ली मॉर्निंग उनको कुछ चक्कर आना, मतली की कैफियत का हो जाना महसूस होता है, ये भी हमल की अलामत है। तीसरी अलामत के बारे में बात करेंगे फुलनेस, यानी उनको महसूस होता है कि थोड़ा सा खाकर भी जैसे पेट बहुत भरा हुआ है, उन्हें ख्वाहिश नहीं होती कि वो खाना खाएं, तो ये भी एक अलामत है कि इसमें आपको हमल ठहर गया है। इसके बाद तबीयत में थोड़ा सा नकाहत या गिरावट का महसूस होना या ऐसे लगना कि आप थके हुए हैं, तो ये भी हमल की एक अलामत में से है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट अलामत जो इसमें आती है वो है स्पॉटिंग, यानी खून का धब्बा लगना। तो ये एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है कि दरमियान में साइकिल में जब बच्चा एम्ब्रियो की शक्ल में ट्यूब से आकर बच्चेदानी के अंदर अपनी जगह बनाता है तो उस वक्त थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो जाती है, तो ये भी हमल की अलामत में से एक है। एक और अलामत जो ख्वातीन ज़्यादा फेस करती हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना पेशाब की, यूरिनेशन, यानी बार बार बाथरूम जाना, ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है क्योंकि सर्कुलेशन ज़्यादा हुई होती है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है, तो बार बार पेशाब के लिए बाथरूम जाना पड़ता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। एक और अलामत जो आती है वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की अलामत है। ये डिफ़िकल्टी हो जाती है कि आप स्टूल पास करें या कब्ज़ की कैफियत आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये भी इसकी एक अलामत है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अलामत जो आती है वो मूड स्विंग्स की है। एट ए टाइम एक खातून को आप देखेंगे कि वो बहुत खुश है किसी बात पे, अपने इमोशंस शो कर रही है, लेकिन फ़ौरन ही वो डिप्रेशन में चली जाती है या रोना शुरू कर देती है, तो ये जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उनकी वजह से ऐसा सब होता है और मूड स्विंग्स आते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए इसको सिर्फ अच्छे तरीके से पेशेंट का अपना समझना और उसकी फैमिली को इसके बारे में समझना है ताकि मॉरल सपोर्ट मिल सके और वो अपने मूड स्विंग्स पर काबू पा सके। इसके साथ कुछ लोगों में हेडेक की अलामत भी आती है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होती है और सेकंड ट्राइमेस्टर तक रहती है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है। कुछ लोगों में हेडेक है और कुछ लोगों में ऐसी अलामत नहीं आती। इसके साथ साथ ब्रेस्ट की चेंजेस आती हैं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आती है, सोरनेस आती है, साइज़ इंक्रीज़ होता है और निपल्स का कलर चेंज होता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। एरियोला के इर्द गिर्द आपको कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी मिल सकते हैं। ये सब वो तब्दीलियाँ हैं जो कि अगर आप अपने जिस्म में महसूस कर रहे हैं या आपको ये अलामतें आ रही हैं तो विदाउट एनी टेस्ट आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं, ये आपको इंडिकेट हो सकता है, ये आपको इशारा मिल सकता है कि आपका हमल ठहर गया है। लेकिन फाइनल डायग्नोसिस कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करना होगा। इसमें यूरिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड का बीटा एचसीजी टेस्ट किया जाता है
और एम्ब्रियो यूट्रस में किस जगह पर इम्प्लांट हुआ है ये देखने के लिए अर्ली स्कैन भी बहुत ज़रूरी है। किसी खास क्वेश्चन या किसी खास बीमारी के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं या मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो आप marham.pk के थ्रू मेरी इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मानेला।